Assalamu alaikum, dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11. And today I am going to discuss grade bilateria. So let's move to the class board. dear students, grade radiata and grade bilateria. So in the previous lecture, we have discussed the grade radiata in detail. Now, we'll talk about grade bilatera. तो ग्रेट रेडिएटा में हमने बात की थी कि इनके बॉडी पार्ट्स अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाएं कि वो सेंट्रल से एक्सिस के अराउंड इस तरह से अरेंज होते हैं कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स द एनिमल इन टू इक्वल हाफ्स विचार अप्रॉक्सीमेटली मिरर इमेजेस ऑफ एच अदर और इसमें हमने एक फाइलम का जिक्र किया था और वो फाइलम था फाइलम सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया या जिसको स्नाइडेरिया भी कहते हैं ठीक है सादा से एनिमल्स हैं डिप्लोप्लास्टिक इनकी ऑर्गेनाइजेशन है तो दो लेर से मिलकर इनकी बॉडी बनी है आगे चलकर हम इसको डिटेल में इस फाइलम को डिस्कस भी करने वाले हैं तो अभी हम इसकी बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो मूव करते हैं ग्रेड। नाउ द ग्रेड बायट्रिया सो so, बाय बायींस टू ठीक है Great by means to radiata radial say around the circle, clear around the circumference. So, baat, the animals included. In great bilateria are all triploblastic. Jee dar students, we have triploblastic. Means their body is made up of three their body is made from three germinal layers ectoderm mesoderm and endoderm clear so all of them they are triploblastic number 2 the animals in grid bilateria are all having Bilateral symmetry or bilateral symmetry, the body parts of these animals. Are arranged around the central axis in such a way. That an imaginary line passing from the center or central axis divides. The body into approximately equal left and right sides. Yeah? तो अल्लाह ताला ने इनकी बॉडी की अरेंजमेंट इस तरह से की इनकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से की कि सेंट्रल एक्सिस से एक इमेजिनरी लाइन ही इनको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकती है जो कि लेफ़्ट और राइट साइड्स बना देगी जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज तो नहीं हो सकते लेकिन तकरीबन तकरीबन वो एक जैसे लेफ़्ट और राइट साइड्स होती हैं उनमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे कुछ जो होंगे वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगे जैसे कि लेट सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमस सो वी हैव गॉट टू आइज तो जब सेंटर से कट करेंगे सो लेफ्ट एंड द राइट ठीक है इसी तरह से किडनीज लेफ्ट राइट इसी तरह से लंग्स लेफ्ट राइट सो इसी तरह से अब जब हम हार्ट की बात करेंगे तो उसमें राइट right और लेफ्ट पोर्शन तो है लेकिन वो इक्वली कट नहीं होगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वली कट हो जाएगा लेकिन अगर हम लिवर की बात करेंगे वो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल कट नहीं होगा लेकिन दो हाफ्स में कट हो जाएगा दैट दैट इज इज इट दे आर अप्रॉक्सिमेटली इक्वल लेफ्ट एंड राइट साइड्स ठीक है उनकी बॉडी की दो साइड्स बन जाएंगी और वो किस तरह से लेट्स हैव अ लुक जैसा कि फॉर एग्जांपल दिस इज प्लेनेरिया फ्लैटफॉर्म बिलोंगिंग टू फाइल प्लाच हेलमेंट्स तो इसमें आप मुझे बताएं कि क्या इसके इक्वल हाफ में कैसे कर सकता हूं क्या मैं यहां से इसको कट करूं इस जगह से तो क्या इक्वल हाफ बन रहे नहीं बनेंगे क्योंकि ऊपर हेड है नीचे टेला तो ये इक्वल हाफ या लेफ्ट और राइट right साइड भी नहीं बन सकती ठीक है इस तरह से सो दिस इज नॉट क्लियर अगर मैं इसको इस एंगल पे कट करूं तो क्या इक्वल हाफ बन रहे हैं सो अगेन द आंसर इज नो ठीक है लेफ्ट राइट साइड से बन नहीं सकती तो कब पॉसिबिलिटी है जब लाइन सेंटर से पास करे सेंट्रल एक्सिस से पास करे यहां से यहां से जब सेंट्रल एक्सिस से एक इमेजनरी लाइन पास करे कि लाइक दिस सो so नाउ आप कह सकते हैं कि इक्वल लेफ्ट और राइट इसकी साइड्स पहुंच जाएगी ये वाली राइट right साइड और ये वाली लेफ्ट साइड सो दिस इज हाउ देयर ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट एक और एग्जांपल लेते हैं इसी की ताकि मजीद क्लियर हो सके लाइक इफ यू टॉक अबाउट यस द ह्यूमंस तो एक डमी ड्रॉ करूंगा ह्यूमन की had, सो लेट सपोज दिस इज अमूमन बीइंग सो आप क्या सोचते हैं इसको मैं यहाँ से कट कर दूँ तो क्या ये इक्वल हाफ्स हो जाएंगे तो लेग्स और वो अपर लेब ऊपर हेड ऊपर नीचे कुछ और सो so, यहाँ से हम इसको इक्वल हाफ या इसकी ये लेफ़्ट राइट साइड तो बने ही नहीं, नहीं सकती इसको अगर मैं इस तरह से कट करूँ फ्रॉम दिस एंगल इस तरह से कट करूँ तो तब भी ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होता ये भी रॉन्ग है ठीक है सो द ओनली चांस इज दिस इज द मिड सजिटल लाइन इवन कि इसके नोज को दो इक्वल हाफ्स में इसके लिप्स को दो इक्वल हाफ में और नेक एंड थॉरक्स एब्डोमेन एंड द पैलविस तो इस तरह से ये दो साइड्स बन जाएंगी लेफ्ट साइड एंड दिस बिकम्स द राइट साइड आपको अब होपली क्लियर हो गई होगी कि बायोलैक्ट्रोल से क्या है। तो से, से एक इमेजिनरी लाइन ही इनको दो इक्वल हाफ में नहीं बल्कि इक्वल साइड में यानी कि राइट और लेफ्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइड में डिवाइड कर सकती है क्लियर इसके अलावा इनके अंदर एक खास फीचर डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स की ये थोड़े से एडवांस होते हैं इनके अंदर अल्लाह बेहतर करेक्टर सिक्स रखे हैं उनसे थोड़े से बेटर दे ऑल्सो हैव दे हैव डिस्टिंक्ट anterior and and also posterior end to a do and sense posterior end एंटीरियर एंड हेड वाली साइड को कहा जाता है पोस्टीरियर एंड नीचे टेल साइड या लेग वाली साइड को कहा जाता है तो डिस्टिंक्ट टेल साइड अगर डिस्टिंक्ट ना भी हो तो कम से कम ये हेड रिजन हर एनिमल के अंदर जो कि इस ग्रेट बाइलेट्रो से बिलोंग करता है देखिए इसका भी हेड है इसका भी हेड है इसकी भी टेल है लेकिन यहाँ पर टेल नहीं है लेकिन लेग्स मौजूद हैं तो एंटीरियर और पोस्टीरियर खास तौर पर एंटीरियर एंड डिस्टिंक्ट होता है ये इनकी खासियत है क्लियर ये आपने याद रखना है जो कि डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स में ऐसा कम मिलता है ठीक है सो ये एक और इनका करेक्टर हो गया इसी तरह से एक और इनके अंदर खासियत एक और एडिशनल चीज़ जो हम इनमें देखते हैं दैट आर देयर बॉडी सर्फसिज ये वाली टर्मिनोलॉजी एंटीरियर पोस्टीरियर समझ लें जो अगली टर्मिनोलॉजी उसको भी समझ लें ये आपको जिंदगी भर काम आएंगी चीज़ें आगे चलकर मेडिकल कॉलेजेस में ये टर्म्स इस्तेमाल होंगी द सर्फसेस These animals have distinct dorsal surface and ventral surface. क्लियर? ये खासियत है इनकी डोरसल और वेंट्रल तो इसका क्या मतलब है डॉर्सल और वेंट्रल का सो डियर स्टूडेंट्स डॉर्सल और डोरसम मीन्स बैक डॉर्सल का मतलब होता है बैक कमर तो ऐसे एनिमल्स जिनमें कमर बैक वाला हिस्सा वाजे है उनकी उस सरफेस को कहते हैं डॉर्सल सरफेस, और दूसरा है वेंट्रल वेंट्रल मींस बेली वेंट्रल मींस बेली पेट तो ऐसे एनिमल्स जिनका पेट और कमर वाजे हो तो इनकी दोनों सर्फेस को हम डिफाइन करते हैं एज अ डोर्सल एंड वेंट्रल तो लेट सपोज आई एम ए ह्यूमन बींग आप मेरे सामने इस लाइव एग्जाम्पल को देख सकते हैं तो मेरी बैक कौन सी है ये वाली ठीक है सो दैट इज माई डॉर्सल सर्फेस या फिर मेरा बेली कहाँ पर है ठीक है पेट मेरा कहाँ बेली सो दिस इज ओवर हेयर तो ये वाला रीजन मेरा वेंट्रल कह रहा ठीक है, है ये वेंट्रल सर्फेस और पीछे वाली मेरी डॉर्सल सर्फेस अच्छा कुछ ऐसे आपको वेंट्रल कलियर और कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनकी ये कमर और उनका पेट वाजे नहीं होता लेकिन फिर भी उनके अंदर डॉर्सल वेंट्रल सर्फसेस होती हैं तो ऐसे एनिमल्स जिनमें बैक और उनका पेट बैली विजिब मतलब कि क्लियर कट ना डिस्टिंक हो सकते हो तो फिर उनमें डोर्सल वेंट्रल कैसे होगा तो उसमें डोर्सल होगा द सरफेस फेसिंग द स्काई उसे डोर्सल कहते हैं और ऐसे एनिमल्स में वेंट्रल होगी द सर्फेस फेसिंग द अर्थ क्लियर तो वो सर्फेस जो अर्थ की तरफ फेस कर रही है वो कहलाएगी वेंट्रल और जो आसमान की तरफ स्काई की तरफ फेस कर रही है वो कहलाएगी डोर्सल सो लेट्स लेट्स हैव एन एग्जाम्पल जैसे कि लेट्स सपोज अर्थ फॉर्म फाइलम एनेलेटा के अंदर हम इसको पढ़ेंगे सेगमेंटेड वर्म्स में ठीक है ये सेगमेंटेड वर्म है देख सकते हैं सेगमेंट्स माने में इसकी बॉडी के सो दिस इज एक्चुअली दिस इज अर्थ वम ठीक है और इसकी अब ये वाली जो ऊपर सर, वाली सरफेस है दिस वन डॉर्सल क्योंकि इसका पेट और इसकी कबर्थ वाजे नहीं है तो इसकी ऊपर वाली सर्फिस डोरसल और इसकी ये वाली नीचे वाली सर्फिस यानी कि जो जमीन की तरफ फेस कर रही है जैसे कि ये जमीन के ऊपर मूव कर रहा है सो दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रल सर्फिस क्लियर ये आपको क्लियर हुआ और इसमें जहां तक बात है एग्जाम्पल्स की इंपॉर्टेंट है इसमें मतलब के कौन कौन से फाइल इंक्लूड होंगे So you have to learn it. So it starts from, it includes phylum. Platyhelminthes. Phylum. Ask -helminthes.

एंड फाइलम ये सारे फाइलम ऑल ऑफ सिमेट्री, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है वो बहुत अहम बात बहुत इंपॉर्टेंट बात वो एक्सेप्शन है फाइलम एकाइनोडर्मेटा में इकानोडर्मेटा जिसमें हम स्टारफिश और सी स्टार और ब्रिटल स्टार इनको हम डिस्कस करेंगे ठीक है थीके? ये फाइलम के अंदर तो टा के अंदर ये एक एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन मैं यहां पर लिख देता हूं देयर लार्वा उनके जो लार्वल फॉर्म्स हैं उनमें है सिमेट्री दे आर बायोलैचुर जबकि इनके एडल्ट्स देयर एडल्ट्स दे हैव कॉट रेडियल सिमिट्री इनके एडल्ट की रेडियल सिमेट्री लार्वल फॉर्म्स में बायोलेटल इनके लार्वा के डायग्राम ड्रॉ करता हूं इनके कुछ लार्वा इस तरह से दिखते हैं शुरू शुरू में सो so, आप मुझे बताएं क्या इसको यहाँ पर सेंटर से रख कर मैं किसी भी प्लेन पे कट करूँ तो दो इक्वल हाफ्स हो जाएंगे इसके नो सो द आंसर इस नो इसमें सिर्फ आप यहाँ से रख कर इसको करेंगे तो दो इक्वल हाफ्स हो सकते हैं ठीक है और जो इनके एडल्ट्स हैं यही आगे लार्वल फॉर्म्स इसमें कन्वर्ट होती हैं टू तो एडल्ट फॉर्म्स और इनके एडल्ट कुछ इस तरह से होते हैं तो ये इसका सेंटर हो गया तो आप यहाँ से मुझे बताएं कि सेंट्रल एक्सिस रख कर अगर मैं यहाँ से कट करूँ या यहाँ से कट करूँ तो इक्वल हाफ्स हो जाएंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने प्रीवियसली बात की थी ग्रेड रेडिटा uh, के अंदर ठीक है सो दैट इज एन एक्सेप्शन ये आपने याद रखनी है लेक्चर टेन पॉइंट फोर एक्सट्रो सो डे स्टूडेंट्स सो फिर आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे डिप्लो एंड ट्रिप्लो ऑर्गेनाइजेशन तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज